हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए सेवैया खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाएं इस डिलीशियस डिश को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेवैया खीर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप सेवैया, 2/3 कप चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 500 ml दूध, चुटकी भर नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एक तेज़पत्ता, 8 से 10 इलायची को क्रश करके ली हूँ, यहाँ पे 2 tablespoons मिल्क पाउडर और घी। सबसे पहले एक जगह में दूध डालेंगे और हाई फ्लेम में लगातार इस दूध को चलाते हुए इसमें बॉयल आने देंगे। जब तक दूध बॉयल होता है मैं यहाँ पे 1/4 कप पानी में मिल्क पाउडर मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। यहाँ पे देखिए हमारा मिल्क पाउडर अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो गया है। अब हम मिल्क पाउडर मिक्सचर को इस दूध में डालेंगे। दूध में मिल्क पाउडर डालने से दूध बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लगता है और खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब से आप जब भी घर में खीर बनाएं, किसी भी तरह का खीर हो, इसी तरह से मिल्क पाउडर डाल के एक बार ट्राई कीजिए। अब हमें इसी तरह से इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है हाई फ्लेम में जब तक हमारे दूध में बॉयल ना आ जाए। यहाँ देखिए दूध में बॉयल आ गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसी तरह से स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम में बॉयल करेंगे ताकि दूध थोड़ा रिड्यूस होकर गाढ़ा हो जाए। जब तक हमारा दूध मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए बॉयल होता है, हम उस बीच एक पैन चढ़ा के उसमें 1 tablespoon घी डालेंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम सेवैया डाल के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लो से मीडियम फ्लेम में। हमें सेवैयों को हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम में ही इसी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारा सेवैया ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब हम इसी टाइम में इसमें ड्राई फ्रूट सारे डाल देंगे और इसे भी इसी के साथ ही फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड्स और। हमें इसे अच्छा सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ देखिए ये हो गया है पूरा। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में दूध को बॉईल करने के बाद यहाँ पे देखिए दूध हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो अब हम इस दूध में डाल देंगे तेज़पत्ता और साथ ही में इसमें डाल देंगे फ्राई करके रखे हुए सेवैया और ड्राई फ्रूट्स और इसे मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही में डालेंगे इसमें चुटकी भर नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा नमक डालने से खीर का टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। मैं इस खीर को थोड़ा सा ज़्यादा मीठा बनाई हूँ, आप चाहें तो इसमें चीनी थोड़ा सा कम डाल सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। अब हमें इस सेवैया को इस दूध में पकाना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। ध्यान रखिए इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद यहाँ हमारा सेवैया रेडी है। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं बनाई है क्योंकि सेवैया अपने आप ही ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन आप अगर इसे थोड़ा सा थिक और चाहते हैं तो आप इसे कुछ देर और पका सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर जो हमने क्रश करके रखा था, मिक्स करेंगे, फिर इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। आप इस खीर को ठंडा या गर्म जिस तरह से भी चाहें सर्व कर सकते हैं। ये दोनों तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने लाइकिंग के हिसाब से इसे खा सकते हैं ठंडा या फिर गर्म। आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब गार्निश कर लेते हैं इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से।
तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।